शादियों का सीजन शुरू हो गया है। लोगों ने शादियों में जमकर खाने और कमर तोड़ डांस करने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में कई अजीबोगरीब मामले सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। मामला मध्य प्रदेश के भिंड जिले का है, जहां एक दूल्हे ने दो दुल्हन से शादी कर ली। दो शादियां करने वाला शख्स गुदावली गांव का सरपंच है और ये शादी खुद उसकी पत्नी ने करवाई। शख्स ने पहले अपनी पत्नी की बहन से शादी की और फिर उसी मंडप में अपनी पत्नी से दोबारा शादी रचाई। इतना ही नहीं, पति ने स्टेज पर पहले अपनी पहली पत्नी को वरमाला पहनाई और फिर अपनी नई दुल्हन को वरमाला पहनाई। बताया जा रहा है कि यह शादी पूरी तरह रजामंदी से हुई है। दीपक का कहना है, मेरी पहली पत्नी की मर्जी से ही मेरी दूसरी शादी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विनीता और दिलीप की शादी करीब 9 साल पहले हुई थी। दोनों के 3 बच्चे भी हैं, लेकिन पत्नी के बीमार रहने की वजह से बच्चों की देखभाल में दिक्कत हो रही थी। इसके चलते उसने दूसरी शादी करने का फैसला लिया। दिलीप के मुताबिक वह पहले से ही अपनी साली रचना को पसंद करता था, इसलिए जब दूसरी शादी की बात चली तो उसने इस बारे में अपनी पत्नी को बताया। पत्नी की रजामंदी के बाद ही उसने यह शादी रचाई। शादी काफी धूमधाम से हुई। जयमाल के वक्त स्टेज पर दूल्हे के साथ दो दुल्हन नजर आईं। मंडप में भी दोनों बहनें साथ थीं। इस तरह की खास शादी में शामिल हुए लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। पीएम न्यूज की रिपोर्ट।